नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल न्यूज़ में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे केमिकल कंपनी की, जिसके बारे में जब मैंने लास्ट टाइम चर्चा की थी मैंने कहा था कि ये जो एक लेवल है ना, आप कह सकते हैं ये जो एक लेवल है जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा था अगर ये टूटता है तो फिर उसके बाद एक बड़ी गिरावट की शुरुआत यहाँ हो सकती है। तो देखिए वो लेवल टूटा भी, प्लस जो पूरा का पूरा सेक्टर था उस पूरे सेक्टर में दबाव देखने को मिला, वो पूरा सेक्टर एक बड़ी गिरावट के दौर से गुजर रहा था। और आज जहाँ पे स्टॉक खड़ा हुआ है दोस्तों, और ये जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ वहाँ पे गिरावट तब भी हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब पूरा का पूरा बाजार एक अप मूव दिखा रहा था, एक बड़ी तेजी दिखा रहा था दोस्तों। तो यहाँ तक ये तेजी जारी रहेगी, और क्या इस तेजी में आप कह सकते हैं निकलना चाहिए, या आप कह सकते हैं निवेश का बहुत अच्छा मौका है, या एवरेज भी किया जा सकता है कि कई निवेशक बहुत ऊपरी स्तरों में भी स्टॉक में फंसे हुए हैं दोस्तों। तो अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आ सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब के बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड, या दोस्तों एल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड, लगभग आप कह सकते हैं 1% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। और प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब जब प्रीवियस क्लोजिंग जो लाइन दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग है, प्रीवियस क्लोजिंग से काफी ऊपर बंद हुआ खुला स्टॉक और एक तेजी भी दिखा रहा था, लेकिन बाद में जो गिरावट शुरू हुई दोस्तों आप देखें तो एक नोज डाइव के साथ ही स्टॉक बंद हुआ। तो एक चीज तो आप समझ लीजिए कि अभी भी टेक्निकली इतना वीक है कि लगभग 2200 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है दोस्तों। और देखिए यही कारण है कि निचले स्तरों से आपको यहाँ पे तेजी दिखी लेकिन 2200 को तोड़ नहीं पाया और वापस से गिरावट देखने को मिली। हाँ, इस गिरावट में अगर आप अच्छी बात कह सकते हो तो जी हाँ, एक चीज ये हुई है कि जो स्टॉक है दोस्तों वो 2150 के ऊपर की क्लोजिंग दिया है। ठीक है, कितना? 2150 के ऊपर की क्लोजिंग दिया हुआ है, क्योंकि 2150 दोस्तों एक बहुत बहुत बड़ा मैं कहूंगा सपोर्ट है दोस्तों। देखिए जब मैंने लास्ट टाइम बात की थी मैंने कहा था अगर स्टॉक 2500 टूटता है ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप देखिए पिछले 6 महीने में स्टॉक एक कह सकते हैं आप, ये देखिए ये 2600 फिर ऊपर गया, फिर वापस से थोड़ी गिरावट दिखाई, 2600 फिर ऊपर गया, फिर यहाँ थोड़ी गिरावट दिखाया, और यहाँ लंबे समय तक दोस्तों इसने समय बिताया। कहाँ से? देखिए 15 फरवरी से लेकर के ये रहा आपका 10 मार्च, और जैसे ही ये दोस्तों ये टूटा ना, ये 2500, फिर ये देखिए गिरावट तो रुकी ही नहीं, फिर 1100 रुकी। तो एक चीज आप समझें कि जो 2500 है अब एल्काइल अमाइंस के लिए ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है दोस्तों। और आप समझिए, आप समझते होंगे कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है वो सब आप कह सकते हैं अगर रेजिस्टेंस टूट जाता है तो एक सपोर्ट बन जाता है, और अगर सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। बहुत समय तक ना दोस्तों 2500 एक सपोर्ट रहा है दोस्तों, ठीक है, लेकिन जैसे ही टूटा ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, उतना ही बड़ा। और देखिए ये जैसे ही टूटा ये इतना बड़ा आप कह सकते हैं सपोर्ट था कि इसके टूटते साथ ही 2300 या आप कह सकते हैं 2200 स्टॉक कहीं टूटा, बल्कि सिर्फ सीधा नोज डाइव करते हुए 2150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अब ये जो 2150 है दोस्तों यही उमंगा सपोर्ट है, क्योंकि तो अगर ये टूटेगा स्टॉक को 2000 तक एटलीस्ट छूने तक कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई मतलब कोई भी नहीं रोक सकता। और देखिए इस गिरावट के पीछे एक चीज ये भी है कि सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट नहीं है, पूरा का पूरा जो केमिकल बाजार है, जो केमिकल सेक्टर है, उसी में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, और अगर मैं थोड़ी चर्चा करूँ दोस्तों इस एल्काइल अमाइंस की, तो आप एक चीज समझिए, स्टॉक पिछले 5 सालों में इतने शानदार रिटर्न दे ही चुका है ऑलरेडी। आप देखिए इस इतनी गिरावट के बावजूद आप समझे 5 साल में आज भी ये स्टॉक 700% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। ठीक है, तो देखिए ये जो गैप है ना, ये गैप ये कहाँ फुलफिल होता है अगर मैं आप बताऊँ, ये फुलफिल होता है दोस्तों देखिए 2300 ये टूटा, फिर ये आता है कहाँ पे 2000 के आसपास, और इसीलिए दोस्तों 2300 भी टूट चुका है। देखिए ये 2300, तो मुझे एक बार लगता है स्टॉक शायद 2000 के आसपास आपको आसानी से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों जो 2000 का लेवल है अब बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक सपोर्ट है। और जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था मैंने कहा था ये गैप एक बार खाली करने, स्टॉक आप कह सकते हैं फिल करने, स्टॉक निचले स्तरों में जरूर आएगा, और ये यहीं पर आता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो स्टॉक है अब ये इसी की तरफ आता हुआ आप कह सकते हैं दिखाई दे रहा है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों ये काफी अच्छी चीज है। ठीक है, बट एक चीज समझ लीजिएगा कि जो ये स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए काफी अच्छा है, लगभग
2000 के आसपास आप देखेंगे स्टॉक पे निवेश हो सकते हैं। और मुझे ये लगता है दोस्तों कि ये जो सपोर्ट है ये स्टॉक में बची रहना चाहिए, वरना फिर स्टॉक के लिए सीधा सपोर्ट आता है यहाँ पे जो है सीधा 1900 के 1500 के आसपास। ठीक है, अगर ये 1930 2000 से लेकर के 1930 से लेकर के 2000 का सपोर्ट अब आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट इम्पोर्टेंट है अल्कल एमएस के आने वाले समय में दोस्तों। ठीक है, तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।